चेतन जायसवाल स्टडी से निकलकर लिविंग रूम में आ गया। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करने वाला था, वो अचानक लिविंग रूम में एक आकृति को देखकर रुक गया। वो आकृति यानी थोड़ा नीचे झुकी और कांस्य प्रतिमा को अपने दस्ताने वाले हाथों से सहलाया। वो उस प्रतिमा से बहुत ज्यादा अभिभूत नजर आ रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। उसका पूरा ध्यान उसके सामने मौजूद एंटिक पर था। ये पहली बार था जब चेतन जायसवाल ने इतना गर्म और प्यारा एहसास देखा। वो वहीं रुक गया जहां वो था। प्रकाश और छाया के बीच खड़ा वो तान्या को घूर रहा था। आपको ये पसंद आया? वो अचानक बोला। तान्या चौंक गई और अपने सामने चेतन को देखकर वो किसी भयभीत खरगोश की तरह लग रही थी। वो बेचैनी से पीछे हट गई। उस मूर्ति को देखती हुई वो बहुत सहज थी, लेकिन एक ही पल में वो बेहद डरी हुई लगने लगी थी। चेतन के दिल में जलन का भाव पैदा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर तान्या के पास लिविंग रूम में चला गया। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ तान्या तनावग्रस्त होने लगी। उसने सवाल किया, तुम मुझसे डरती हो? तान्या ने ना में अपना सिर हिला दिया। वो दोनों बहुत करीब थे और उसने अपना हाथ बढ़ाया और तान्या के चेहरे को ऊपर उठा लिया। चेतन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तान्या की पलकें उसकी घबराहट के कारण कांप रही थी। चेतन ने फिर से सवाल किया, तुम्हें एंटीक चीजें पसंद है? चेतन का हाथ आगे बढ़ा और तान्या के सूट के गले के साथ खेलने लगा। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो क्या करेगा? क्या तान्या को उसे रोकना चाहिए या एक दो पल के लिए रुकना चाहिए कि वो खुद ही यहां से चला जाए? तान्या ने परेशान होकर इंतजार किया। चेतन जायसवाल शांत हो गया और कुछ देर बाद उसने हाथ पीछे खींच लिया। वो कुछ और नहीं बोला। इसके बजाय वो घूमा और चला गया। तान्या ने कुछ देर प्रतीक्षा की। चेतन को जाते देख उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने मूल रूप से सोचा था कि चेतन जायसवाल उसे इन बेशकीमती प्राचीन वस्तुओं को छूने की अनुमति नहीं देगा। तान्या ने अपने हाथों में कांस्य प्रतिमा को देखा, लेकिन उसका मन अब उस पर नहीं था। वो चेतन जायसवाल के बारे में ही सोच सकती थी। जैसे ही तान्या लिविंग रूम से बाहर आई, रेलिंग पर की गई सजावट ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर की ओर घुमावदार थी। रेलिंग गहरे काले चंदन की बनी थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर किसी प्राचीन पशु का सिर उस पर उकेरा गया था। ये प्राचीन और रहस्यमय लग रहा था। इन पशुओं के सिर 10 से अधिक थे और वे ऊपर तक फैले हुए थे। तान्या ने याद किया कि उसने नक्काशी की इस तकनीक के बारे में पहले सुना था। ये एक प्राचीन और रहस्यमय गुप्त तकनीक थी। एक एक करके उन्हें देखते हुए ऊपर चली गई, पूरी तरह से अपनी दुनिया में डूबी हुई। यामिनी जिंदल, पहले तो तान्या ने इस तरह पुकारे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वही तो इस घर में यामिनी जिंदल है। इसीलिए वो जल्दी से मुड़ी। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा और वो लड़खड़ा गई। अनजाने में वो दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी और अब वहां से नीचे गिर रही थी। सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर उसे पुकार रहे चेतन ने उसे देखा और तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी बाहों में तान्या को संभाल लिया। अचानक हुई इस घटना के कारण चेतन की कलाई पर पहने हुए पेंडेंट की कड़ी टूट गई और वो छिटक कर दूर जा गिरा। चेतन जायसवाल ने पेंडेंट की दिशा में देखा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। जल्द ही उसने पेंडेंट पर से अपना ध्यान हटाया और यामिनी जिंदल यानी तान्या को संभालने में व्यस्त हो गया। तान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने चुपचाप अपनी पलकें उठा ली। उसके दिल में अभी भी एक डर था। चेतन जायसवाल ने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ पूछा, तुम ये क्या फालतू हरकतें कर रही हो? तान्या ने खालीपन से कहा, मैं सीढ़ियों पर नक्काशी देख रही थी।
चेतन बोला, वाह नक्काशी देखते देखते तुम अचानक नीचे गिर गई, क्या तुम जिंदगी से थकना चाहती हो? ऐसा है तो मुझे बता दो। तान्या ने अपनी वर्तमान स्थिति को देखा। अगर चेतन यहां नहीं होता तो वो अब तक ऊंचाई से नीचे गिरकर अपनी हड्डियां तोड़ चुकी होगी। चेतन आगे बोला, मैं यहां कोई डेड बॉडी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए इस बात का जवाब तुम्हारे माँ बाप को देना मुश्किल होगा। ठंडे एक्सप्रेशंस के साथ बात करने के बाद चेतन जायसवाल ने उसे जमीन पर लिटा दिया। जिस क्षण उसके पैर जमीन पर छुए, तान्या का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। वो आगे गिर गई और खुद को चेतन जायसवाल की बाहों में झोंक दिया। चेतन जायसवाल ने अपना हाथ ना फैलाते हुए उसे केवल ठंडेपन से देखा। तान्या बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाई। उसने चेतन से माफी मांगी। चेतन जायसवाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुड़ा और टूटे हुए पेंडेंट की ओर चल दिया। लटकन को दो हिस्सों में टूटते देख उसकी भौंहें तन गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। तान्या ने देखा कि उसने हार उठा लिया है। ये एक फोटो हार लग रहा था, चांदी की पतली चेन से लटका एक खोखला दिल जिसमें आम तौर पर प्रियजनों की तस्वीर होती थी, लेकिन अब हार के दो टुकड़े हो चुके थे। तान्या को संभालने के चक्कर में इस पर पड़े दबाव से खोखले दिल को खोलना असंभव हो गया था। तान्या इतना तो समझ सकती थी कि चेतन इसे हर समय पहने रखता था, इसलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा होगा। उसने अभी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि चेतन जायसवाल ने अपना हाथ हटा लिया और हार उठाकर खड़ा हो गया। अगली बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, इतना कहकर वो मुड़ा और जाने ही वाला था कि तान्या ने जल्दबाजी में उसका पीछा किया। वो बोली, चेतन जी, मैं आपके हार के मामले में आपकी मदद कर सकती हूँ, शायद मैं इसे दोबारा ठीक भी कर सकूं। चेतन जायसवाल ने चलना बंद नहीं किया। चेहरे पर ठंडे भाव लिए वो तेजी से आगे बढ़ता रहा। चेतन जी, पुकारते हुए तान्या ने अपनी गति तेज की और उसके पीछे चल दी। वो फिर से बोली, मैंने कुछ चीजें सीखी हैं, इस तरह के हार की मरम्मत की जा सकती है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तान्या को बुरा लग रहा था क्योंकि अगर चेतन उसे बचाने नहीं आया होता तो उसके हार को नुकसान नहीं होता। तान्या ने पहले मरम्मत की कुछ तकनीकें सीखी थी, इसलिए हार को ठीक करना मुश्किल नहीं था। चेतन जायसवाल चलते चलते अचानक रुक गया। तान्या लगभग उससे टकरा ही गई थी, लेकिन वो मजबूती से खड़ी होने में कामयाब रही। यामिनी जिंदल, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम इसे ठीक कर सकती हो? तान्या की सांस फूलने लगी। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि वो ऐसा कर सकती है। चेतन जायसवाल ने मुड़कर उसे देखा। तान्या तुरंत तनाव में आ गई। ऐसा लग रहा था कि ये टकटकी उसके दिल के आर पार तक देख रही थी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और वो घबराहट से पसीने से तरबतर थी। चेतन जायसवाल ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और हार उसे सौंप दिया। चेतन ने कहा, अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। तान्या ने ध्यान से हार अपने हाथ में लिया और उस पर एक नजर डालने ही वाली थी कि चेतन जायसवाल ने एक बर्फीली धमकी उगल दी। अगर इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो... चेतन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसके स्वर में मौजूद धमकी ने तान्या को थर्रा दिया। तान्या तुरंत तनाव में आ गई। खुद को संभालकर कुछ पलों के बाद जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि चेतन जायसवाल चला गया था। तान्या ने अपने हाथ में हार को देखा। चांदी के खोखले दिल के आकार की लटकन बंद थी और इसे खोला नहीं जा सका। उसने बंद दरवाजे की ओर देखा, फिर सावधानी से हार को दूर रखा, पीछे मुड़ी और अपने कमरे में वापस भाग गई। कमरे में कोई उपकरण नहीं थे। तान्या फिर से बाहर गई और मरम्मत के लिए बटलर से टूल बॉक्स मांगा। वो मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई।
और ध्यान से हार की जांच की। उसका सपना सांस्कृतिक अवशेषों की मरम्मत करने वाला बनना था, लेकिन उसने इस विषय पर किसी तरह की कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की थी। उसने केवल इंटरनेट से सीखा था। अगर उसे यहाँ नहीं भेजा गया होता तो वो सांस्कृतिक अवशेषों की पहचान और बहाली का अध्ययन करने के लिए किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन ले सकती थी, लेकिन अब तो उसे ऐसी क्लासेस अटेंड करने की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। तान्या के हाथ रुक गए, उसकी आंखों में दर्द दिखाई देने लगा। अगले दिन बटलर टूल बॉक्स ले आया। सर ने कहा कि आप दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम का इस्तेमाल कर सकती हैं। तान्या ने अपने हाथों में थमा दिए गए विशाल टूल बॉक्स को देखा। उसमें सभी उपकरण थे। दूसरी मंजिल? तान्या ने पूछा। हाँ, बटलर ने कहा। ऊपर पहुंचकर तान्या ने कमरे के चारों ओर देखा। ये चेतन का कमरा था, लेकिन पहले दिन के अलावा वो कभी इस कमरे में वापस नहीं आए थे। तान्या ने वहां टेबल पर रखा हार उठाया और बॉक्स को दूसरी मंजिल तक ले गई। पिछली बार वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। उस हादसे को याद करते हुए तान्या ने बहुत सावधानी बरती थी। वो ऊपर गई और बाएं मुड़ गई। दूसरी मंजिल पर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन बटलर ने उसे विशिष्ट कमरा नहीं बताया। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप एक दरवाजा खोला और अंदर देखा। सामने बड़ी सी टेबल और कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था और उसका मुंह इसी तरफ था। तान्या एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन दूसरा व्यक्ति घूमा और अपनी पैनी निगाहें दरवाजे की तरफ घुमाई। तुम यहां क्या कर रही हो? चेतन ने पूछा। तान्या चुपके से बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन चेतन ने उसे देख लिया था। चेतन ने उसे अंदर आने के लिए कहा और तान्या टूलबॉक्स के साथ वहां खड़ी हो गई। बटलर ने कहा कि मैं स्टडी में काम कर सकती हूँ, तान्या ने अपनी सफाई में कहा। चेतन ने अपनी आंखें उस पर सिकोड़ी। उसने बटलर से यामिनी जिंदल को ये बताने के लिए कहा कि वो उसे दूसरी मंजिल पर स्टडी का उपयोग करने दे सकता है, लेकिन दूसरी मंजिल पर दो कमरे थे, इसीलिए वो चाहता था कि यामिनी दूसरे कमरे का उपयोग करे। क्या वो यहाँ जानबूझकर आई थी? तान्या ने चेतन की डरावनी वाली नजर के कारण अपना सिर नीचे कर लिया और घबरा कर खड़ी हो गई। वो उसे ऐसे क्यों देख रहा था? क्या उसने खुद ही तान्या को स्टडी में आने के लिए नहीं कहा था? चेतन ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपने डेस्क पर इंटरकॉम का बटन दबाया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर उसने तान्या को बुलाया। तान्या झिझकी, उसके नम होठ लाल हो गए और चेतन की निगाहें काली पड़ गई। तान्या को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसने सोचा कि वो गुस्से में है। उसने जल्दी से अपना टूल बॉक्स उठाया और चेतन के पास चली गई। इससे पहले कि तान्या कुछ कह पाती या समझ पाती, चेतन का हाथ आगे बढ़ा और उसकी कमर पर आ गया। अगले ही पल चेतन ने एक झटके के साथ तान्या को अपनी तरफ खींच लिया। तान्या ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खुला और उसके होंठ सील कर दिए गए। क्या तान्या खुद को बचा पाएगी या फिर चेतन उस पर हावी हो जाएगा? और क्या होगा चेतन के टूटे हुए हार का? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तान्या के होंठ एक फोर्सफुल किस से ढके हुए थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने तेजी से रिएक्ट करने की कोशिश की। उसने अपनी कोहनी चेतन की छाती पर रख दी और उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसकी ताकत चेतन की फिजिकल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकी। चेतन के हाथ स्टील की तरह थे। वे तान्या की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और तान्या को अपनी तरफ खींचकर लगातार उसके शरीर को अपने शरीर पर दबा रहे थे। तान्या के नाजुक गुलाबी होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए चेतन हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरे इतने नजदीक होना पसंद नहीं? यही तो है ना जो तुम चाहती हो? तान्या ने फौरन मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तान्या ने पूछा, चेतन ने उसे स्टडी रूम में क्यों बुलाया था? चेतन की उंगलियां धीरे धीरे तान्या के होठों से नीचे चली गईं।
जहां उन्होंने उसकी चिकनी नाजुक त्वचा को रगड़ा। ठीक उसी क्षण बटलर ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। तान्या ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन चेतन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बटलर ने सिर उठाया और यामिनी को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य के निशान तैर गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आश्चर्य के भावों को काबू में किया और चेतन से पूछा, सर डेस्क कहाँ है? चूंकि मेरी पत्नी को यह जगह बहुत पसंद है, इसीलिए इसे इसी टेबल पर रख दो। चेतन ने तान्या को घूरते हुए लापरवाही से कहा। उसने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने शरीर के खिलाफ दबा लिया। ऐसा मत करो, तान्या धीरे से फुसफुसाई और उसने चेतन को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश की। इस वक्त स्टडी रूम में हाउसकीपर और अन्य लोग भी थे, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने होने के बावजूद चेतन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने तान्या का सिर नीचे खींच लिया और उसे फिर से चूमा। बटलर और बाकी स्टाफ के लोगों ने अपना सिर नीचे रखा और चेतन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और अपने अपने काम में व्यस्त रहे। तान्या ने संघर्ष करना शुरू किया। क्या अभी भी तुम्हें शर्म आ रही है? चेतन ने उसका हाथ पकड़ते ही उसका मजाक उड़ाया। चेतन की जीभ की नोक तान्या के होठों पर और मुंह में कहर बरपाती रही, जैसे वो अपने साथ आक्रमण और विनाश की एक अदम्य शक्ति लेकर आई थी। तान्या चेतन को दूर धकेलने में सफल नहीं हो पा रही थी। न जाने कहां से अचानक उसमें मुंह खोलकर चेतन को बुरी तरह काटने की हिम्मत आ गई। चेतन की भौहें तन गई। तान्या की हरकत को देख चेतन ने तुरंत उसे धक्का दे दिया। चेतन के होंठ कटे हुए थे और खून बह रहा था। उसने अपनी उंगलियों से अपने जख्म को सहलाया और तान्या से बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने वास्तव में मुझे काटने की हिम्मत की। तान्या डर गई थी, लेकिन फिर भी बोली, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चेतन ने भारी नजरों से उसे देखा, जैसे उसकी आंखों में तूफान आ गया हो। उसने तान्या से टूल बॉक्स देकर वहां से चले जाने के लिए कहा। तान्या करीब नहीं आई, बल्कि एक कदम पीछे हट गई। तुम अब भी भागने की हिम्मत कर रही हो? चेतन ने सवाल किया। अचानक वो खड़ा हो गया और तान्या को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तान्या के दिल की धड़कन रुक गई। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, टूलबॉक्स उठाया और चेतन की ओर फेंक दिया। इसके बाद वो मुड़ी और भाग गई। चेतन ने टूलबॉक्स पकड़ा। बूम! उसने टूलबॉक्स को तेज आवाज के साथ मेज पर रख दिया। स्टडी में हर कोई डर से कांप रहा था। बटलर ने सावधानी से पूछा, सर क्या हमें यामिनी मैडम को वापस लाना चाहिए? चेतन ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। बटलर ने टेबल को देखा और एक पल के लिए झिझका, क्योंकि यामिनी मैडम के पति ने यहां टेबल लगाई थी, इसलिए वो चाहता होगा कि वो यहीं रहे। और मैडम यामिनी जानबूझकर मिस्टर के पास आ रही थी। बटलर ने भौंय चढ़ाई और दूसरों को स्टडी से बाहर कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी मुलाकात तान्या से हुई, जो दरवाजे पर खड़ी थी। बटलर का चेहरा डूब गया। मैडम यामिनी, आप अभी तक यहां क्यों हैं? तान्या ने उससे पूछा कि क्या बटलर ने खुद ही उससे नहीं कहा था कि वो दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम का इस्तेमाल कर सकती है। बटलर ने उसकी ओर अप्रसन्नता से देखा, फिर वो बोला, यामिनी मैडम, मैंने आपको दूसरी स्टडी में जाने के लिए कहा था। ये वाली स्टडी खास तौर पर चेतन सर के लिए डिजाइन की गई है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। तान्या ने हैरानी से पूछा, दूसरी मंजिल पर दो स्टडी हैं? इसके बाद तान्या ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गलियारे की दूसरी तरफ एक और दरवाजा था। ये भी एक स्टडी जैसा ही लग रहा था। कौन सोचता था कि वो गलती से चेतन जायसवाल की स्टडी रूम में चली जाएगी? कोई आश्चर्य नहीं कि चेतन ने सोचा कि वो उससे मिलने के लिए ही आई थी।
जबकि सच तो ये था कि तान्या चेतन को फिर कभी नहीं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, तो वो जानबूझकर जाकर उसे क्यों ढूंढेगी। उसे लगा कि अपनी सफाई देना जरूरी है। वो बटलर से बोली, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ दो स्टडी रूम है। बटलर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे यामिनी के किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। तान्या ने कहा कि वो आगे से ध्यान रखेगी और दूसरी स्टडी में ही काम करेगी। अपनी सजा के आधे रास्ते में तान्या को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपना टूलबॉक्स चेतन के स्टडी रूम में छोड़ दिया था। उसने बटलर से पूछा कि क्या वो उसे चेतन की स्टडी से टूलबॉक्स लाकर देने में मदद कर सकता है, ताकि वो दूसरी स्टडी में जाकर काम कर सके। बटलर ने उसकी रिक्वेस्ट को अस्वीकार करते हुए कहा कि मालिक ने कहा है कि वो उनकी स्टडी में ही काम कर सकती हैं। तान्या ये सुनते ही घबरा गई, क्योंकि जिस स्टडी में चेतन बैठा था वही बैठकर काम करना आसान नहीं था। तान्या चेतन के साथ एक ही स्टडी में रहना नहीं चाहती थी। वो ये सोचकर असहज महसूस कर रही थी कि भविष्य में उसे चेतन के साथ कैसे समय बिताना होगा। मुझे खेद है यामिनी मैडम, ये सर का अनुरोध है। इतना कहकर बटलर ने तान्या की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कह रहा हो कि चेतन सर के किसी भी आदेश का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। तान्या सोचने लगी कि ना जाने चेतन के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बटलर से पूछा कि जब चेतन मेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहता तो वो मुझे अपनी स्टडी में क्यों बुला रहा है। बटलर ने उससे कहा कि इन सवालों के जवाब तो सिर्फ चेतन सर ही दे सकते हैं और वो कुछ नहीं कह सकता। बटलर के चले जाने के बाद तान्या स्टडी के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वो हिचकिचा रही थी कि उसे फिर से इस स्टडी में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसके सामने का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। चेतन दरवाजे पर खड़े होकर उसे गुस्से में देख रहा था। चेतन ने पूछा कि वो कब तक यहीं पर दरवाजे पर खड़ी रहने वाली है। तान्या ने देखा उसका टूलबॉक्स उस टेबल पर रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले कमरे में लाया गया था। तान्या बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि दूसरी मंजिल पर दो स्टडी रूम है। मैं अपना टूलबॉक्स लेकर दूसरे स्टडी में जाकर काम कर लूंगी। इतना कहकर तान्या तेज गति से अंदर गई और अपना टूलबॉक्स उठाकर फुर्ती से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन चेतन ने उसे रोक लिया। तान्या टेबल के सहारे खड़ी थी और चेतन ने अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द टेबल पर रख दिए। इस तरह वो मैच के सहारे चेतन की बाहों में घेरे में कैद थी। चेतन ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल दागा, तो तुम अपना काम कब से शुरू करने वाली हो? मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं होता, लेकिन क्या तुम वाकई इसे फिर से ठीक कर सकती हो? चेतन से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करते हुए तान्या कुछ कदम पीछे हट गई। उसने यकीन के साथ कहा, जी हाँ, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। चेतन आगे झुककर उसके करीब चला गया, इतने करीब कि उनके शरीर लगभग छू रहे थे। वो बोला, ठीक है तो फिर यही काम करो, क्योंकि मैं तुम्हें इसे ठीक करते हुए देखना चाहता हूँ। तान्या ने चेतन की आंखों में देखा, वो उन आंखों के आर पार कभी विचार नहीं देख पाई थी। यदि आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं यहां काम करूं? तान्या ने सवाल किया। चेतन बोला, वेल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने ये काम करो, इसलिए। शायद कहीं तान्या को अंदाजा हो गया था कि चेतन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। ये हार चेतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वो चाहता था कि तान्या यहां रहे, क्योंकि वो उस पर नजर रखना चाहता था। तान्या ने पूछा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, है ना? चेतन ने बिना झिझक के कह दिया कि ये बात सच है। इतना कहकर चेतन पीछे मुड़ा और अपने काम करने के टेबल की तरफ चल दिया। जाते जाते वो बोला, मैं भला उस लड़की पर विश्वास क्यों करूंगा जिसने किसी भी कीमत पर मेरी बीवी बनने की कोशिश की। इतना कहकर वो वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और काम करने लगा।
तान्या को ऐसे लगा जैसे आसपास के वातावरण में दबाव थोड़ा कम हो गया है और उसने राहत की सांस ली। फिलहाल उसके पास समझौता करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उसने चेतन से कहा कि वो जल्द से जल्द हार की मरम्मत करके उसे ठीक कर देगी। स्टडी रूम एकदम शांत था। कमरे में एक बड़ी टेबल और एक छोटी टेबल लगाई गई थी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और कमरे को रोशन कर रही थी। तान्या छोटी टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठी थी और पूरी गंभीरता और फोकस के साथ अपने हाथ में पकड़े हुए टूटे हार की मरम्मत करने में लगी हुई थी। सूर्य का प्रकाश उसके शरीर पर पड़कर उसके कपड़ों और शरीर को आलोकित कर रहा था। उसके गोरे गाल इस वक्त हल्के गुलाबी थे और उसकी आंखें पूरी तरह से अपने काम पर फोकस थी। वो असाधारण रूप से गंभीर लग रही थी। काम में मशगूल चेतन ने अपना सिर कागजों से उठाया और सामने का दृश्य देखा। टूटे हुए पेंडेंट को ठीक करने के लिए यामिनी की उंगलियां फूर्ती से औरों का इस्तेमाल कर रही थी। चेतन की आंखें उसकी उंगलियों पर पड़ी तो उसने देखा कि यामिनी की पतली और लंबी उंगलियां किसी फूल की तरह नाजुक थी। उसे याद आया कि उसने इसके बारे में पहले कहीं सुना था। ऐसे हाथ को लोटस हैंड कहा जाता था। इसकी गोरी और गुलाबी त्वचा बेहद मुलायम होनी चाहिए, चेतन ने मन ही मन सोचा। जिस क्षण ये विचार चेतन के दिमाग में आया वो चौंक गया और गुस्से में अपनी निगाहें फेर ली। चेतन ने इस लड़की को अपने पास अपने घर में इसीलिए रखा था क्योंकि वो इस लड़की का मुखौटा गिरते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसे एक लड़की से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ था और ना ही वो उसकी खूबसूरती से लुभाया गया था। चेतन ने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ अपनी भौहें सिकोड़ी, जैसे कि उसे अपने सामने मौजूद लड़की के यहाँ होने से ही शिकायत थी। तान्या ने उत्सुकता से अपना सिर उठाया और देखा कि चेतन अजीब तरह से अकड़ कर बैठा हुआ है। तान्या को अचरज हुआ कि आखिर अचानक इस व्यक्ति को क्या हो गया। क्या वाकई चेतन को है यामिनी से नफरत, या फिर तान्या की खूबसूरती उसे पिघला देगी? तान्या के यामिनी ना होने का राज कब खुलेगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चेतन के हावभाव से जाहिर था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तान्या को समझ नहीं आ रहा था कि बिना एक भी शब्द कहे आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसे इस व्यक्ति को अपना अपमान महसूस हो रहा था या इसे इतना गुस्सा आ रहा था। बहरहाल तान्या ने अपनी निगाहें चेतन पर से हटा ली और अपना काम जारी रखा। चेतन ने उसे घूरा और आदेश दिया, जल्दी करो और हार ठीक कर दो, फिर तुम्हें स्टडी में आने की जरूरत नहीं है। तान्या मन ही मन सोचने लगी कि वो तो वैसे भी इस जगह पर नहीं आना चाहती है क्योंकि उसके लिए चेतन की नजरों से बचकर रहना ही बेहतर होगा। उसके विचार से वैसे भी कुछ दिनों में चेतन अपनी कंपनी के दफ्तर जाएगा और कामकाज में बिजी हो जाएगा। जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था। इसमें जहाजों, इलेक्ट्रॉनिक्स और भोजन सहित सभी प्रकार के उद्योग शामिल थे। इसकी देश में और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभावशाली स्थिति थी। इतने बड़े एम्पायर का लीडर होने के नाते चेतन बहुत लंबे समय तक कंपनी से दूर नहीं रह सकता था। बावजूद इसके जब भी तान्या स्टडी का दरवाजा खोलती या खुला हुआ देखती तो उसे अंदर चेतन बैठे हुए दिखाई देता। तान्या के मन में कई बार सवाल भी आता था कि अगर ये व्यक्ति अपने ऑफिस जाता ही नहीं है तो क्या इसे अपना बिजनेस ठप पड़ने का डर नहीं लगता। तान्या ने चुपके से उस पर नजर डाली, लेकिन चेतन की कहर भरी नजर देखकर वो सहम गई। तान्या ने फौरन अपनी नजर हटा ली और अपना सिर नीचे करके अपना काम करने लगी। शांत कमरे में अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, यहाँ आओ। काम करती हुई तान्या रुक गई और केवल एक सेकंड के लिए झिझकने के बाद चेतन की तरफ चल पड़ी। कंप्यूटर स्क्रीन पर घूमती हुई चेतन की नजर रुक गई और उसने तान्या की तरफ हाथ बढ़ाया। जब तान्या अपनी जगह से नहीं हिली तो चेतन ने धीरे से अपनी निगाहें घुमाई और उसकी तरफ देखा।
तान्या का दिल दहल गया क्योंकि चेतन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे तुरंत खींच लिया गया। तान्या को अपनी गोद में बिठाकर चेतन ने अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर बात की और कहा कि जारी रखिए। तान्या को अब एहसास हुआ कि चेतन वास्तव में किसी वीडियो कॉल पर था। कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई मीटिंग रूम, बोर्ड रूम लग रहा था। वहां काले सूट में 7-8 लोग बैठे थे। कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान, और उन सबके चेहरे पर बड़े गंभीर भाव थे। तान्या सोचने लगी कि क्या ये लोग कोई मीटिंग कर रहे थे। चेतन की अजीबोगरीब हरकत के बाद हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। तान्या चौंक गई और उसने छूटने के लिए तुरंत संघर्ष किया। चेतन की कठोर बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस गई और चेतन उसके कान में फुसफुसाया, हिलना मत। गर्म हवा उसके कानों पर छींटे मार रही थी और गहरी आवाज बिजली जैसी लग रही थी। तान्या कांप गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वो हिलने डुलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ये अच्छी बात थी कि मीटिंग में मौजूद लोगों ने जल्दी से अपनी निगाहें फेर ली। चेतन के हाथ तान्या की कमर को इतना कसकर पकड़े हुए थे कि मानो वो उसे भागने नहीं देगा। चेतन ने स्क्रीन पर दिख रहे एक व्यक्ति से कहा, जो तुमने अभी कहा उसे फिर से रिपीट करो। मेरी पत्नी ने कहा कि उसके पास एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वीडियो में मौजूद व्यक्ति ने तान्या को देखा और एक पल के लिए झिझका। इस घटना में अब बनने वाले नए मॉल के टॉप पर दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एक नीलामी घर स्थापित करना है, एंड सेकेंड ऑप्शन, वीआईपीस के लिए टॉप क्लास रेस्ट हाउस बिल्ड करना है। हमने तय नहीं किया है कि किसे चुनना है। 7-8 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी, तान्या के जवाब का इंतजार कर रही थी। तान्या ने चेतन को देखने के लिए घबराकर अपना सिर घुमाया। उसकी हथेलियों से पसीने की एक परत रिस रही थी। मीटिंग रूम का माहौल एकदम शांत था और हर कोई तान्या को ही देख रहा था। दिस वॉज अंडरस्टूड कि अगर कोई नीलामी होती है तो सबसे कठिन हिस्सा मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देश और विदेश में पहले से ही कई शीर्ष नीलामियां हो चुकी हैं। कुछ का लंबा इतिहास था, कुछ राख से उठ रहे थे और बाजार लगभग भर चुका था। ऐसे मामले में एक नया नीलामी घर स्थापित करना एक वाइज डिसीजन नहीं कहा जा सकता। जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसकी अपनी एक मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस है, उसके पीछे कुछ लोग हैं जो उसकी हर हरकत को देख रहे हैं। अगर ये नीलामी विफल होती है तो ये कंपनी कई लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगी। इसके अलावा नीलामी के लिए सबसे कठिन बिंदु वस्तुओं की प्रामाणिकता को सत्यापित करना था। यदि नीलामी में कोई नकली वस्तु दिखाई देती है तो वो पूरे नीलामी घर और यहाँ तक कि जायसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रतिष्ठा और ऑथेंटिसिटी को खतरे में डाल देगी। चेतन ने तान्या को याद दिलाया, हर कोई आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तान्या को पता नहीं था कि चेतन अचानक ऐसा कुछ करके उसे मुश्किल में क्यों फंसाएगा। उसने स्क्रीन पर उस व्यक्ति को देखा और धीरे से बोली, मुझे ऐसा लगता है नीलामी घर बेहतर है। क्यों? चेतन ने कहा। तान्या ने चेतन पर नजर डाली। तान्या ने जवाब में कहा, नए शॉपिंग मॉल में 20 मंजिलें हैं। अगर हम सबसे ऊपरी मंजिल पर रेस्ट हाउस स्थापित करते हैं तो अगर मेहमान थके हुए हैं तो उन्हें बैठने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करनी होगी। नॉट अ गुड आइडिया। मीटिंग रूम में हर कोई चौंक गया। तान्या घबरा कर रुक गई। कंप्यूटर के दूसरी तरफ बैठा कोई भी व्यक्ति आसानी से व्यापार जगत में हंगामा खड़ा कर सकता है। चेतन के होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसने तान्या से अपनी बात जारी रखने को कहा। तान्या के पास दूसरा चारा भी तो नहीं था। वो बोली, यदि आप किसी चीज की नीलामी करना चाहते हैं तो आप पूरे मॉल का लेवल बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी विशेषज्ञ को इन्वाइट करें तो आप प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करवाना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप नीलामी शुरू कर सकेंगे। जैसे ही तान्या ने बोलना समाप्त किया, मीटिंग रूम में किसी ने पूछा, लेकिन लाउंज? तान्या बोली, रेस्ट हाउस तो हर मंजिल पर स्थापित किए जा सकते हैं। ब्रेक के दौरान वहां खा पी सकते हैं। इस तरह मेहमान इजीली खाने पीने में सक्षम होंगे।
और पर्याप्त शारीरिक शक्ति और सुविधाओं के साथ वो पूरे दिन मॉल में रह सकेंगी। तान्या के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक कक्ष तुरंत शांत हो गया। चेतन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गहरी हो गई, क्योंकि उसने बैठक कक्ष में लोगों की ओर देखा। मीटिंग रूम में प्रबंधकों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक सुखद आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। सभी आइडिया की तारीफ करने लगे। सब लोगों को आइडिया बहुत पसंद आया और वो खुले दिल से इस आइडिया की तारीफ कर रहे थे। तान्या ने उठकर जाने की कोशिश की, लेकिन चेतन ने उसे पकड़े रखा और उसे उठने नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद चेतन ने तान्या से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा आइडिया लेकर आएगी। तान्या ने कहा कि चेतन को खुद ही ऐसे आइडिया के बारे में सोच लेना चाहिए था। सच्चाई ये थी कि इस आइडिया को सुनकर चेतन बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद भी मन में कुछ ऐसा सोच चुका था। लेकिन उसे हैरानी इस बात से थी कि ये आइडिया यामिनी यानी तान्या ने कैसे दिया। चेतन की रिसर्च के मुताबिक जिंदल परिवार की लाडली बेटी यामिनी का मैनेजमेंट और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। फिर इस लड़की के मुंह से इतना बढ़िया आइडिया सुनकर चेतन को आश्चर्य तो होना ही था। चिलचिलाती धूप धीरे धीरे नरम पड़ने लगी। सूर्यास्त के बाद हल्का अंधेरा हुआ। दूसरी मंजिल पर स्टडी में धीरे धीरे सन्नाटा पसर गया। बटलर ने नए बनने वाले मॉल का कॉन्ट्रैक्ट मेज पर रखा। चेतन ने जल्दी से उसे पढ़ा और वापस बटलर को सौंपने से पहले लास्ट पेज पर अपने सिग्नेचर कर दिए। फिर उसने बटलर से यामिनी के बारे में पूछा। बटलर ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि यामिनी जी तो डिनर करके सोने के लिए जा चुकी हैं। गृहस्वामी के साथ साथ कर्मचारियों को भी अंदाजा नहीं था कि यामिनी को कैसे संबोधित किया जाए। उसके नाम के आगे जी लगाना फिलहाल सबको ठीक लगा और यही किया जाने लगा। घर के कुछ नौकरों को यह भी लगता था कि ये शादी लंबे समय तक नहीं चलेगी और जल्द ही जिंदल परिवार की बेटी इस घर को छोड़ देगी, इसीलिए उसे मालकिन कहने की जगह सब उसे यामिनी जी कहने लगे। चेतन ने यामिनी का गंभीर चेहरा याद किया और अपने बटलर से कहा, कल एक इम्पोर्टेंट पार्टी है जहां मैं यामिनी को साथ ले जाऊंगा। चेतन के संबंध अपने परिवार के साथ अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसकी बात का अर्थ बटलर भली भांति समझ गया था। भले ही उसका मालिक चेतन जायसवाल अपनी वर्तमान पत्नी से संतुष्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि ये शादी जिंदल और जायसवाल परिवार के लोगों द्वारा सामाजिक समीकरण को सेट करने के लिए करवाई गई थी, इसीलिए यामिनी को बर्दाश्त करना चेतन की मजबूरी थी, क्योंकि उसका परिवार बाहरी लोगों के सामने बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बटलर अपना काम निपटा कर चला गया और चेतन की नजर बगल वाली छोटी टेबल पर रखी टूल बॉक्स पर पड़ी। हर बार जब यामिनी यानी तान्या अपना काम पूरा करती तो वो औजारों को साफ कर देती और उन्हें एक एक करके वापस रख देती, या जब वो हार ठीक करने के लिए अपना सिर नीचे करती तो कमरे का सारा माहौल शांत हो जाता। चेतन अचंभे में था, उसे यामिनी का ख्याल क्यों आ रहा था? उसने जल्दी से अपनी नजर टूल बॉक्स से हटा ली और अपने सामने टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स और फाइलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही आसमान में अंधेरा छा गया। सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया। घर में रोशनी की गई और तान्या के बेडरूम की रोशनी गर्म थी। अपने कमरे में तान्या बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसने वो हार निकाल लिया जिसकी उसने अभी अभी मरम्मत की थी। मंद पीली रोशनी में दिल के आकार के लटकन पर खोखले पैटर्न चांदी की रोशनी से चमकने लगे। सिल्वर रोज पैटर्न वाला दिल मरम्मत के बाद ठीक होकर इठलाता हुआ झूम रहा था। तान्या ने इस दिल के अंदर रखी तस्वीर देखने के लिए इसे खोला। हार धीरे धीरे खुल गया, लेकिन ये अंदर से खाली था। ये देखकर तान्या की भौहें तन गई। वो हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहती थी कि पेंडेंट में किसकी फोटो है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये खाली होगा। तान्या सोचने लगी कि जब ये हार वाला पेंडेंट खाली है तो फिर चेतन के लिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? जो कुछ भी था
तान्या का उससे कोई लेना देना नहीं था। तान्या ने वापस हार को उसके बॉक्स में डाल दिया। अगली सुबह बटलर तान्या के कमरे में आया और अपने साथ एक काला मखमल का डिब्बा लाया। बटलर ने तान्या से कहा, यामिनी जी, आज रात एक खास पार्टी में आपको मालिक के साथ जाना है, प्लीज आप ये पहन लीजिएगा, ऐसा मालिक का आदेश है। तान्या ने कंफ्यूज होकर डिब्बा खोला और जैसे प्रकाश का एक विस्फोट हुआ, डिब्बे में कीमती और शानदार हीरे के गहनों का एक सेट था। झुमके और अंगूठिया हीरो से जड़े हुए थे, खासकर हार बेहद खूबसूरत था। 114 ब्रिलियंट कट आकर्षक डायमंड्स, सुरुचिपूर्ण और असाधारण डिजाइन, ये अद्भुत था। ये सेट बहुत जाना पहचाना लग रहा था। महज एक महीने पहले इस ज्वेलरी सेट ने ज्वेलरी इंडस्ट्री में बड़ी सनसनी मचा दी थी। ये अब तक खोजा गया सबसे बड़ा गुलाबी हीरा था और ये पूरा हार इसी से बनाया गया था। तान्या ने उस हार की नीलामी के बारे में पढ़ा। गहनों के इस सेट को एक रहस्यमय व्यक्ति ने 80 मिलियन की ऊंची कीमत पर खरीदा था। कौन था वो गुमनाम अमीर आदमी जिसने इतना महंगा गहनों का सेट खरीदा था? क्या तान्या पार्टी में जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी शादी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।